जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय। आज का विचार वुमेन्स वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स, देख सकते हैं यहाँ पे ये मुकाबला होने वाला है। दोपहर 3 बजे फाइनल मुकाबला होगा, जो कि यहाँ पे इंडिया वर्सेस श्रीलंका महिला क्रिकेट, दोस्तों यहाँ पे महिला T20 ट्रॉफी होगी। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग जीत सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 4,70,00,000 रुपए मेगा ग्रांड लीग है। और इस मुकाबले में किस खिलाड़ी को लेकर चलना है, किसको ड्रॉप करना है, 29 रुपए लगा करके आप लोग 22,00,000 रुपए तक फर्स्ट रैंक ला करके जीत सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं विकेट कीपर सेक्शन में ऋचा घोष है, काफी सारे धाकड़ धाकड़ खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, वीराज पच्चे, गुतड़े यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलराउंडर में चमारी अट्टा पट्टू, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, कविता दिलहरी। और गेंदबाज सेक्शन में बात करते हैं रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, यू प्रभानी, तो किस खिलाड़ी को लेना है, किसको ड्रॉप करना है, आज दोस्तों यहां पे ज्योतिष विद्या के द्वारा बताएंगे आज के सितारे कौन कौन से हैं, आज किन खिलाड़ियों का भाग्य चमकने वाला, कौन सा खिलाड़ी गेम चेंजर होगा, कौन सा फ्लॉप होगा, किसको टीम में लेकर चलना है, किसको नहीं लेकर के चलना है, और कौन बल्लेबाज दोस्तों यहां पे अर्धशतक मारेगा, कौन ड्रीम टीम में कप्तान बनेगा, कौन फर्स्ट रैंक में रहेगा दोस्तों कप्तान कप्तान की लिस्ट में। और दोस्तों यहां पे देख सकते हैं किस खिलाड़ी को लेकर चलना, अगर आप लोग भी लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप लोग लिख सकते हैं। दोस्तों यहां पे लिखना है आपको जय सन्यासी बाबा की, जय दादाजी गुरु महाराज की, जय बालाजी सरकार की, जय बागेश्वर धाम के। राज के द्वारा बताया जाएगा कौन से खिलाड़ी के दोस्तों यहां पे आज गेम चेंजर होंगे, कौन से फ्लॉप होने वाले, किनको टीम में लेकर चलना है और किनको ड्रॉप करना है। तो चलिए दोस्तों आपको इंडिया वर्सेज वुमेन्स का ये श्रीलंका फाइनल मुकाबला है, और इस मुकाबले में जबरदस्त आपको यहाँ पे टीम बना करके दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते, देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया वुमेन्स वर्सेज श्रीलंका का मुकाबला, जो कि दोपहर 3 बजे खेला जाएगा, और इस मुकाबले में जबरदस्त आपको प्रदर्शन देखने को मिलेगा। चलिए मैच आंकड़ों की बात कर लेते हैं, मैच आंकड़ों की बात करें तो इंडिया पिछले 5 मुकाबले लगातार जीत करके आ रहे, कितने पिछले 5 मुकाबले लगातार जीत के आ रहे, वही श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका पिछले 4 मुकाबले लगातार जीत के आ रहे, 1 मुकाबला हारी हुई है। और दोस्तों श्रीलंका की टीम भी बहुत ही मजबूत है, इस एशिया T20 ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं श्रीलंका वुमेन्स की टीम। और इस मुकाबले की बात की, ये मुकाबला होने वाला है रैनगिरी दामुला इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि श्रीलंका में पड़ता है, और ये बैटिंग पिच है, यहाँ पे बल्लेबाज आपको अच्छे खासे रन बनाते हुए दिखाई देंगे, स्पिनर्स को यहाँ पे ज्यादा विकेट मिलते हैं, पेसर्स को यहाँ पे कम विकेट मिलते हैं। औसत रन की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इंडिया पहले बैटिंग करेंगी तो यहाँ पे 150+ रन बनेंगे, अगर श्रीलंका बैटिंग करेगी पहले तो 150 के आसपास ही बनने वाले हैं। अगर कुल विकेट की बात की जाए तो 44 कुल विकेट है, जिसमें पेसर्स को 16 और स्पिनर्स को 28 विकेट मिले हैं। और हेड टू हेड मुकाबले की बात की जाए तो 7 मुकाबले खेले गए, जिसमें इंडिया की टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं और 1 मुकाबला सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका की टीम ने जीता है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। प्लेइंग 11 दोस्तों अगर आप लोग देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, प्लेइंग 11 से आपको ये फायदा होगा कौन सा बल्लेबाज किस नंबर पर बैटिंग करेगा, किसकी बैटिंग आएगी, किसकी नहीं आएगी, इस चीज की आपकी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो पहले नंबर पर शेफाली वर्मा खेलती हैं, दूसरे नंबर पर स्मृति मंदाना, तीसरे नंबर पर यू चेरी, पांचवें नंबर पर हरमनप्रीत कौर, चौथे नंबर पर हरमनप्रीत कौर, पांचवें नंबर पर जेमिया रांडे, छठे नंबर पर ऋचा घोष, सातवें नंबर पर दीप्ति शर्मा, आठवें नंबर पर पूजा वस्त्रकर, नवे नंबर पर राधा यादव, 10वें नंबर पर तनुजा कनवार, 11वें नंबर पर रेणुका सिंह ठाकुर। तो ये दोस्तों इंडियन वुमेन्स की प्लेइंग 11 देख लिया, अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो वीराज पच्चे गुतनड़े यहाँ पे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चमारी अट्टा पट्टू, तीसरे नंबर पर देख सकते एच मतवी मधवी सवर विक्रमा, और चौथे नंबर पर ऑलराउंडर कविता दिलहरी, पांचवे नंबर पर एनडी सिल्वा है, छठे नंबर पर एच संजीवनी जो कि विकेट कीपर है, सातवें नंबर पर एच परेरा जो कि यहाँ पे विकेट कीपर है, आठवें नंबर पर एम कुमारी, नवे नंबर पर ए कलसूरिया, 10वें नंबर पर आई प्रदर्शनी, और 11वें नंबर यू प्रभानी, उद्देशिका प्रभानी। तो आपने श्रीलंका वर्सेज यहाँ पे इंडिया की वुमेन्स टीम की आपने प्लेइंग 11 देख ली, अब बारी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं किस खिलाड़ी को टीम में लेकर चलना है, किनको ड्रॉप करना है। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पे लिखिएगा जय सन्यासी बाबा की, जय दादाजी गुरु महाराज की, जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी सरकार की। चलिए दोस्तों टीम बनाते हैं बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से। यहाँ पे दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन में बात की जाए, ऋचा घोष तुला राज की जातक हैं, देख सकते हैं बांग्लादेश के सामने 16 पॉइंट दिए हैं, ड्रीम टीम में जगह बनी किसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से। वही नेपाल के सामने 19 पॉइंट दी, बट ड्रीम टीम में ऋचा घोष ने जगह नहीं बनाई। यूएई के सामने बात की जाए 114 पॉइंट दिए ड्रीम टीम में,
और दोस्तों यहाँ पे जबरदस्त बल्लेबाजी किया ऋचा घोष ने। पाकिस्तान के सामने ऋचा घोष ने दोस्तों 12 पॉइंट बनाया, बट ड्रीम टीम में जगह नहीं बनी। तो मतलब आप लोग देखा यहाँ पे ऋचा घोष पिछले 4 मुकाबले खेली है और 4 मुकाबले में 2 मुकाबले में ड्रीम टीम में जगह बनाई है और 3 मुकाबले यहाँ पे 2 मुकाबले में फ्लॉप हुई। वैसे ये बांग्लादेश के सामने भी दोस्तों फ्लॉप ही हुई है क्योंकि उतने ज्यादा 16 पॉइंट्स होते नहीं ड्रीम टीम में। चलिए अब अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, यहाँ पे अनुष्का संजीवनी, ये मेष राशि की जातक। अगर अनुष्का संजीवनी की बात करें, पिछले 5-4 मुकाबले खेली हैं, पाकिस्तान के सामने 31 पॉइंट दिया, थाईलैंड के सामने ड्रीम टीम से बाहर हुई, 4 पॉइंट बनाई थी, और यहाँ पे मलेशिया के सामने 51 पॉइंट दिया ड्रीम टीम में। बांग्लादेश के सामने अनुष्का संजीवनी ने तो कोई योगदान नहीं दिया ड्रीम टीम में। तो आपका अनुष्का संजीवनी भी पिछले 4 मुकाबलों में 2 मुकाबलों में ड्रीम टीम में जगह बनाई, 2 मुकाबलों में फ्लॉप हुई। तो अनुष्का संजीवनी दोस्तों यहाँ पे ऋचा घोष जैसे एक मुकाबले में चलती हैं, दूसरे मुकाबले में नहीं चलती हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हसीना परेरा की बात करते हैं। हसीना परेरा ये श्रीलंका की विकेट कीपर है, हसीना परेरी। यहाँ पे इनको आपको टीम में ड्रॉप करके चलना है, इनको टीम में लेकर के नहीं जाना। अगर आप इस खिलाड़ी को लेकर के जाएंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। हसीना परेरी को यहाँ पे ड्रॉप करिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं उमा चेरी। अगर ये दोस्तों प्लेइंग 11 पहली बार खेलेंगी तो आप लोग इस खिलाड़ी को लेकर जाइएगा, गेम चेंजर खिलाड़ी होगा क्योंकि पिछले मैच में नहीं चला है। अगर रिस्क लेना तो उमा चेरी को ऊपर ले सकते हैं। बल्लेबाज सेक्शन में बात करते हैं हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर कर्क राज की जातक है। देख सकते हैं बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से इस एशिया कप में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूएई के सामने 97 दोस्तों यहां पे पॉइंट दिया हरमनप्रीत कौर। बांग्लादेश के सामने ड्रीम टीम में इनकी कोई बैटिंग नहीं आई। पाकिस्तान के सामने दोस्तों 11 पॉइंट दिया ड्रीम टीम में। तो हरमनप्रीत कौर दोस्तों अभी तक कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली है और ना ही ड्रीम टीम में दोस्तों ये कप्तान बन पाई है। तो हरमनप्रीत कौर के पास मौका है दोस्तों ड्रीम टीम में कप्तान बनने का, और हरमनप्रीत से उम्मीद करते हैं आज के मैच में बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से हरमनप्रीत कर्क राज की जातक ये एक धमाकेदार पारी खेल सकती है। यहाँ पे दोस्तों अकेले दम मैच को जितवाने की दम खम रखती है हरमनप्रीत कौर। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करते हैं कुंभ राज की जातक। 92% सिलेक्शन रेट है स्मृति मंधाना जो कि कप्तान है। तो बांग्लादेश के सामने देख सकते हैं 80 पॉइंट दिया है ड्रीम टीम में, नेपाल के सामने 12 पॉइंट दिया बट जगह नहीं बना पाई ड्रीम टीम में, यूएई के सामने 28 पॉइंट दिया बट ड्रीम टीम में जगह नहीं बनी, और पाकिस्तान के सामने 64 पॉइंट दिया ड्रीम टीम में जगह बन गई। तो एक मतलब यह है कि स्मृति मंधाना पिछले 4 मुकाबलों में 2 मुकाबलों में ड्रीम टीम में योगदान दिया है और 2 मुकाबलों में ड्रीम टीम में योगदान नहीं दिया है। तो आपने देखा यहाँ पे स्मृति मंधाना का पिछले 4 मुकाबलों का प्रदर्शन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कुंभ राज की जातक शेफाली वर्मा जो कि ड्रीम टीम में लगातार प्रदर्शन दे रही हैं। बांग्लादेश के सामने 48 पॉइंट, नेपाल के सामने 119 पॉइंट, यूएई के सामने 66 पॉइंट, पाकिस्तान के सामने 58 पॉइंट। तो शेफाली वर्मा की बात की जाए अगर दोस्तों इनके देख सकते हैं हर बार यहाँ पे ड्रीम टीम में योगदान दे रही हैं। अगर शेफाली वर्मा 100% ड्रीम टीम में सिलेक्शन रेट है, बांग्लादेश के सामने शेफाली वर्मा ने कितने रन की पारी खेली है, 26 रन की पारी खेली है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नेपाल के सामने बात की जाए 119 पॉइंट दिया था जिसमें 81 रन की धमाकेदार बल्लेबाजी की है शेफाली वर्मा ने। वही यूएई के सामने 66 पॉइंट दिया था, उस पारी में दोस्तों इन्होंने 37 रन की शेफाली वर्मा ने बल्लेबाजी की है। और दोस्तों यहाँ पे लास्ट यहाँ पे पहला मुकाबला पाकिस्तान के सामने जिसमें 58 पॉइंट दिया है और 40 रन की पारी खेली है। तो पिछले 4 मुकाबलों में आपने देखा शेफाली वर्मा का किस प्रकार से बल्लेबाजी से प्रदर्शन रहा है। तो शेफाली वर्मा दोस्तों ओपन करती हैं, ये खिलाड़ी भी गेम चेंजर खिलाड़ी है, इनको हल्के मत लेना। उसके बाद श्रीलंका की दोस्तों यहाँ पे हर्षिता मधवी समरविक्रमा। अगर दोस्तों आपको रिस्की खिलाड़ी लेकर जाना तो हर्षिता मधवी समरविक्रमा को आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। रिसेंट 2 मुकाबलों में फ्लॉप हुई है और बागेश्वर बाबा कहना जो खिलाड़ी लगातार फ्लॉप होता है वो दोस्तों ड्रीम टीम में कहीं ना कहीं योगदान दे सकता है। तो मलेशिया के सामने 35, बांग्लादेश के सामने 45, बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना मधवी हर्षिता मधवी स्वरविक्रमा से कि आपको 70-80 पॉइंट बनाकर दे सकती है ड्रीम टीम में। आप लोग 25-50 पॉइंट के नीचे ही उम्मीद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पे देख सकते हैं अगली खिलाड़ी वैष्णवी राजपक्षे गुणरत्ने। ये देख सकते हैं अगर इनके सामने बात की जाए पाकिस्तान के सामने यहाँ पे ड्रीम टीम में कोई योगदान नहीं, थाईलैंड के सामने 53 पॉइंट, बांग्लादेश के सामने 72, मलेशिया के सामने ड्रीम टीम से बाहर हुई। मतलब वैष्णवी राजपक्षे गुणरत्ने यहाँ पे 4 मुकाबले खेली हैं और 4 मुकाबलों में 2 मुकाबलों में योगदान दिया है ड्रीम टीम में, 2 मुकाबलों में फ्लॉप रही। उसके बाद चलिए अगले खिलाड़ी की बात करते हैं यहाँ पे जेमिया रैंडिक्स। ये दोस्तों रिस्की खिलाड़ी जरूर हैं बट दोस्तों अगर आज हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष को दोस्तों उतना अच्छा योगदान नहीं रहेगा
तो जेमिया रांडी साहब के लिए गेम चेंजर खिलाड़ी हो सकती है। देख सकते हैं बांग्लादेश के सामने खिलाफ यहाँ पे बैटिंग नहीं आई, नेपाल के सामने 43 पॉइंट, यूएई के सामने दोस्तों 18 पॉइंट, बट ड्रीम टीम में जगह नहीं बनी। पाकिस्तान के सामने भी ड्रीम टीम में जेमिया रांडी नहीं आई। ये दोस्तों रिस्की बल्लेबाज हो जाती है, अगर आपको रिस्की बल्लेबाज लेकर जाना है तो जेमिया रांडिस को ट्राई कर सकते हैं ऋचा घोष को ड्रॉप करके, क्योंकि ऋचा घोष की बैटिंग नहीं आने वाली। नीलाक्षी डी सिल्वा की बात करते हैं, इनको आपको टीम में लेकर के नहीं जाना, इस खिलाड़ी को देखते ही आंख मूंद करके ड्रॉप करना है। नीलाक्षी डी सिल्वा जो कि श्रीलंका की बल्लेबाज है। अब दोस्तों बात आती है ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने दीप्ति शर्मा ने बांग्लादेश के सामने 43 पॉइंट दिया, नेपाल के सामने यहाँ पे कप्तान बनी थी 125 पॉइंट दिया, और यूएई के सामने 58 पॉइंट दिया, पाकिस्तान के सामने 87 पॉइंट दिया। तो पिछले 4 मुकाबलों में लगातार दीप्ति शर्मा ने योगदान दिया ड्रीम टीम में। तो दीप्ति शर्मा को हल्के मत लेना, ये खिलाड़ी ड्रीम टीम में गेम चेंजर खिलाड़ी हो सकती है। तो दीप्ति शर्मा को आपको टीम में जरूर लेकर के चलना है, 100% आपको दीप्ति शर्मा को टीम में लेकर चलना है। वही बात कर लेते हैं श्रीलंका की कप्तान देख सकते हैं चमारी अट्टा पट्टू। अगर चमारी अट्टा पट्टू की बात की जाए तो पाकिस्तान के सामने यहाँ पे 88 पॉइंट, और यहाँ पे थाईलैंड के सामने 98 पॉइंट, मलेशिया के सामने यहाँ पे 173 पॉइंट दिया, ड्रीम टीम में कप्तान भी बनी थी, बांग्लादेश के सामने 56। तो दोस्तों ये ऑलराउंडर भी दोस्तों जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, टॉप ऑर्डर की बैट्समैन भी है। तो ये खिलाड़ी दोस्तों आपको ड्रीम टीम में घातक दोस्तों शतक भी मार चुकी है इस यहाँ पे एशिया ट्रॉफी में। तो कोई भी बल्लेबाज अभी तक शतक नहीं मारा है, ये श्रीलंका की इकलौती बल्लेबाज है जो कि चमारी अट्टा पट्टू, यहाँ पे दोस्तों कप्तान भी बन चुकी है ड्रीम टीम में, शतक भी मार चुकी है और अपनी टीम को फाइनल में भी ला चुकी है अपने दम पर। तो ये खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर खिलाड़ी है, इसको हल्के मत लेना। वही पूजा वस्त्रकर की बात करते देख सकते हैं पूजा वस्त्रकर बांग्लादेश के सामने 1 विकेट 31 पॉइंट, यूएई के सामने 1 विकेट 51 पॉइंट, और पाकिस्तान के सामने 2 विकेट 54 पॉइंट। तो पूजा वस्त्रकर भी दोस्तों गेम चेंजर खिलाड़ी, इनको भी आपको टीम में लेकर चलना है, पूजा वस्त्रकर को भी ड्रॉप नहीं करना। और दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कविता दिलाहरी, देख सकते हैं कविता दिलाहरी दोस्तों मिथुन राज की जातक है, ये भी ड्रीम टीम में जरूर आएंगे 100%, पिछले 4 मुकाबलों में लगातार ड्रीम टीम में आ रही है। पाकिस्तान के सामने बात की जाए 81 पॉइंट, थाईलैंड के सामने 94 पॉइंट, मलेशिया के सामने 86 पॉइंट, बांग्लादेश के सामने 43 पॉइंट। तो आपके लिए गेम चेंजर खिलाड़ी हैं, कविता दिलहरी को हल्के मत लेना, ये खिलाड़ी दोस्तों पासा पलट सकती हैं और अपनी टीम को फाइनल भी जितवा सकती हैं। कविता दिलहरी और चमारी अट्टा पट्टू ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया टीम को दोस्तों कहीं ना कहीं हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब गेंदबाज सेक्शन में बात करते हैं रेणुका सिंह ठाकुर। रेणुका सिंह ठाकुर देख सकते हैं बांग्लादेश के सामने 101 पॉइंट दिया, नेपाल के सामने 47, यूएई के सामने ड्रीम टीम से बाहर, और पाकिस्तान के सामने 2 विकेट लेकर के 68 पॉइंट दिया। तो बट दोस्तों आज के मैच में आप लोग इनसे ज्यादा उम्मीद मत करना कि आपको 3 विकेट दे सकती हैं। आज के मैच में दोस्तों यहाँ पे रेणुका सिंह ठाकुर 1 विकेट, हद से 2 विकेट, इससे ज्यादा आपको विकेट नहीं देने वाली। राधा यादव की बात करते हैं तुला राज की जातक, देख सकते हैं बांग्लादेश के सामने यहाँ पे दोस्तों इन्होंने कप्तान बने थे और ड्रीम टीम में 3 विकेट झटके थे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश के सामने राधा यादव कप्तान बनी, 117 पॉइंट दिया, नेपाल के सामने यहाँ पे 60 पॉइंट, यूएई के सामने 35, पाकिस्तान के सामने 34 पॉइंट दिया। तो राधा यादव भी दोस्तों आपको 2 विकेट कम से कम आज के मैच में देने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं उद्देशिका प्रभानी की, देख सकते हैं पाकिस्तान के सामने 74, थाईलैंड के सामने कोई विकेट नहीं, बांग्लादेश के सामने 78 पॉइंट दिया। तो उद्देशिका प्रभानी भी गेम चेंजर खिलाड़ी, इनको भी आप लोग टीम में लेकर के जा सकते हैं श्रीलंका की तरफ से। और यहाँ पे बात कर लेते हैं सुंडिका कुमारी, देख सकते हैं पाकिस्तान के सामने ड्रीम टीम में कोई विकेट नहीं मिला बट 22 पॉइंट दिया, ड्रीम टीम में जगह बनाई। थाईलैंड के सामने 41 पॉइंट दिया, यहाँ पे ड्रीम टीम में 1 विकेट, बांग्लादेश के सामने 1 विकेट 51 पॉइंट दिया। तो यहाँ पे पिछले 3 मुकाबले खेले, तीनों मुकाबले में सुंडिका कुमारी ने ड्रीम टीम में जगह बनाई है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं तनुजा कनवार की। तनुजा कनवार देख सकते हैं यूएई के सामने 1 विकेट ली है और 43 पॉइंट दिया। तो उसके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तनुजा कनवार की बात करते हैं, तनुजा कनवार पिछले 4 मुकाबले खेली हैं, 4 में देख सकते हैं 2 मुकाबले में ड्रीम टीम में योगदान दिया, उतना कुछ खास यहाँ पे प्रदर्शन नहीं है। अगर इनके जगह पर श्रृंखला पटेल खेलते तो उनको जरूर आप लोग टीम में लेकर के जा सकते हैं। और दोस्तों गेंदबाज में बात करते हैं इनोसी प्रदर्शनी फर्नांडो, ये देख सकते हैं पिछले 4 मुकाबले खेली, 4 में पाकिस्तान के सामने इनको कोई विकेट नहीं मिला, थाईलैंड के सामने 1 विकेट मिला था और 43 पॉइंट दिया था यहाँ पे इनोसी प्रदर्शनी फर्नांडो। मलेशिया के सामने 1 विकेट 33 पॉइंट, बांग्लादेश के सामने 2 विकेट 68 पॉइंट दिया। ये खिलाड़ी जरूर आपको कमबैक करते हुए दिखाई देंगे, इनको टीम में लेकर जाना है।
और दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं श्रीलंका की अचिनी कलसोरिया को, इनको आपको टीम में लेकर के नहीं जाना, आंख मूंद करके ड्रॉप करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोग टीम बनाने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में दर्शन करिएगा, बागेश्वर बाबा के नाम लिख दीजिएगा, जय सन्यासी बाबा, जय दादाजी गुरु महाराज, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार की। चलिए टीम बनाते हैं फटाफट दोस्तों, यहाँ पे टीम बहुत ही जबरदस्त बनने वाली। आपको दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए टीम दोस्तों ये बहुत ही अच्छी टीम बनने वाली है, और दोस्तों यहाँ पे आप लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से लाखों रुपए कमा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ए संजीवनी की बात करते हैं, ए संजीवनी को लेना है, और दोस्तों यहाँ पे ऋचा घोष को ड्रॉप करना है, यहाँ पे जीव चोरी को लेना, रिस्क लेना है, हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप करना है, शेफाली वर्मा को लेना है, और विराज पच्चे को लेना है। यहाँ पे आपने देखा तीन बैट्समैन हो गए, दीप्ति शर्मा, चमारी अट्टा, पट्टू पूजा उत्कर, के दिलहरी, ये सभी ऑलराउंडर लेकर चलने हैं। राधा सिंह यादव, यू प्रभानी और रेणुका सिंह ठाकुर, या फिर दोस्तों आप लोग आज प्रदर्शनी को ले जा सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे आपने देखा जो टीम बनी है ये टीम भी बहुत जबरदस्त बन चुकी है, देख सकते ए संजीवनी, यू चेरी हो गई, यहाँ पे स्मृति मंधाना है, शेफाली वर्मा है, वीराज पच्ची है, दीप्ति शर्मा है, चमारी अट्टा, पट्टू पूजा वस्त्रकार, कविता दिलारी, राधा यादव, यू प्रभानी। तो आपके सामने रेणुका सिंह ठाकुर आपको ले जाना है, एक आधा विकेट मिल सकता है। अगर यहाँ पे दोस्तों श्रियंका पटेल खेलती तो उनको आप लोग टीम में लेकर जा सकते हैं। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे यू चेरी को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पे तीन गेंदबाज लेकर के जा सकते हैं। तो कोई दिक्कत बात नहीं, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, यू चेरी के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, यू चेरी भी आपको एक अच्छी पारी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कप्तान उपकप्तान की बारी है, कप्तान उपकप्तान में 90% लोग दोस्तों फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो तो या तो पिछले मैच के खिलाड़ी को कप्तान बनाएंगे, या फिर सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले खिलाड़ी को कप्तान उपकप्तान बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों आपको कप्तान कप्तान के लिए 2 गुना पॉइंट्स मिलते हैं, वाइस कैप्टन के लिए 1.5 गुना पॉइंट्स मिलते हैं। तो कप्तान के लिए दोस्तों यहाँ पे चलिए आपको बताते हैं, देख सकते हैं ए संजीवनी और यू चेरी, ये दोनों तो कप्तान कप्तान लेकर के जाना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपके सामने बचते कौन कौन से, शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा की बात करें तो 12.56% लोग कप्तान बना रहे, 11.9% लोग शेफाली वर्मा को वाइस कैप्टन बना रहे। स्मृति मंधाना की बात करें तो 11.21% लोग कप्तान बना रहे, 10.32% लोग यहां पे स्मृति मंधाना को वाइस कैप्टन बना रहे। यहां पे विराज पच्चे गुतड़े की बात करते देख सकते हैं 0.22% लोग कप्तान बना रहे हैं, और 0.43% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। चमारी अट्टा पट्टू की बात की जाए तो 33.16% लोग कप्तान बना रहे हैं, 18.61% लोग चमारी अट्टा पट्टू को यहाँ पे वाइस कैप्टन बना रहे हैं। दीप्ति शर्मा की बात की जाए तो 19% लोग कप्तान बना रहे हैं, 26.14% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं दीप्ति शर्मा को। उसके बाद कविता दिलारी की बात कर 2.62% लोग कविता दिलारी को कप्तान बना रहे हैं, 6.45% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। पूजा वस्त्रकर की बात की 3.66% लोग कप्तान बना रहे हैं, 4.62% लोग पूजा वस्त्रकर को वाइस कैप्टन बना रहे हैं। राधा यादव की बात की तो 8.09% लोग कप्तान बना रहे हैं, और यहाँ पे 7.88% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। यू प्रभानी की बात कर तो 0.33% लोग कप्तान बना रहे हैं, और 0.77% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। तो आपने सभी खिलाड़ियों के बारे में बात कर ली दोस्तों, यहाँ पे एक गेंदबाज और ले जा सकते हैं, यू चेरी को ड्रॉप करके आप लोग यहाँ पे दोस्तों गेंदबाज में बात कर लेते हैं। यहाँ पे वो या फिर दोस्तों यहाँ पे आप लोग ले जा सकते हैं रेणुका सिंह ठाकुर को ले जा सकते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब कप्तान कप्तान बनाते हैं, आपको 3 से 4 का। तो पहला कॉम्बिनेशन दोस्तों यहाँ पे शेफाली वर्मा दोस्तों बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, दीप्ति शर्मा को कप्तान बनाना, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पूजा वस्त्रकर को, यहाँ पे चमारी अट्टा पट्टू जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, इनको वाइस कैप्टन बनाना है। तो ये दोनों दोस्तों बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से पहला कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दीप्ति शर्मा को कप्तान, चमारी अट्टा पट्टू को वाइस कैप्टन, उसके बाद यहाँ पे शेफाली वर्मा को कप्तान बनाना है, और कविता दिलहरी को वाइस कैप्टन बनाना है। ये दूसरा कॉम्बिनेशन आपके सामने आ चुका है जिसमें आप लोग शेफाली वर्मा को यहाँ पे कप्तान, कविता दिलारी को वाइस कैप्टन। उसके बाद तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्मृति मंधाना को कप्तान बना करके आप लोग दोस्तों यहाँ पे पूजा वस्त्रकर को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये दोस्तों आपके सामने तीसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें आप लोग स्मृति मंधाना को कप्तान बना सकते हैं और यहाँ पे पूजा वस्त्रकर को वाइस कैप्टन। चलिए चौथे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो राधा यादव को वाइस कैप्टन बना के आप लोग दोस्तों यहाँ पे कप्तान बना सकते हैं, चमारी अट्टा पट्टू को कप्तान बना सकते हैं।
ये चार कॉम्बिनेशन दे दिए गए, पांचवा कॉम्बिनेशन आपको अपने मन से बनाना है और आप लोग पांचवा कॉम्बिनेशन अपना दिमाग लगाकर बनाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, एक दो खिलाड़ी चेंज करके आप लोग यहाँ पे टीम बना सकते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों आप लोग टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में देख सकते हैं 5400 सब्सक्राइबर आए। और यहाँ पे दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, लिख दीजिएगा जय सन्यासी बाबा की, जय दादाजी गुरु महाराज की, जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी सरकार की, आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपकी दोस्तों यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग यहाँ पे विनिंग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय बालाजी सरकार की।